बिहार में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन एवं लॉकडाउन के दौरान चलाए जा रहे सामुदायिक किचन के संबंध में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आज समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई बिंदुओं पर खास निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान इच्छुक सभी लोगों को रोजगार उपलब्ध होनी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को इस मामले में तत्परता से काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सबको रोजगार मिले यह सुनिश्चित करना है, कोई मजदूर काम से वंचित नहीं रहे। ग्रामीण इलाकों के साथ ही शहरी क्षेत्रों में भी गरीब लोगों को काम मिले ताकि उन्हें किसी प्रकार की असुविधा न हो सके। श्रमिकों का पारिश्रमिक का ससमय भुगतान का भी उन्होंने निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि 7 निश्चय पार्ट 2 एवं जल जीवन हरियाली अभियान के तहत कई अन्य सरकारी योजनाओं के तहत चलाए जा रहे निर्माण कार्यों में भी अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध होनी चाहिए। उन्होंने सभी कार्यस्थलों पर कोविड गाइडलाइंस को सख्ती से पालन कराने को कहा। उन्होंने कहा कि लोगों को कोरोना के प्रति सचेत भी करना है, जागरूक भी करना है और उन्हें रोजगार भी देना है। सभी जिलों में गरीब, निर्धन एवं असहाय के लिए सामुदायिक किचन का सुचारू रूप से शुरुआत करने को कहा। उन्होंने कहा कि इसका संचालन आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए ताकि उन्हें किसी भी प्रकार की किसी भी जरूरतमंदों को असुविधा न हो सके। माइकिंग के द्वारा गांव-गांव जाकर रोजगार की उपलब्धता के बारे में भी लोगों को प्रचार करने के संबंध में उन्होंने निर्देश दिए। उधर मुजफ्फरपुर के कुढ़नी में लॉकडाउन के दूसरे दिन कोरोना के कहर से निपटने के लिए और उनके गाइडलाइन को सख्ती से पालन कराने के लिए अंचल के अधिकारी रामभू ठाकुर काफी एक्टिव दिखे। विशेष अभियान चलाया गया, हाट बाजारों में दुकानों को बंद कराया गया। इस संदर्भ में अंचलाधिकारी शंभू ठाकुर ने बाद में पत्रकारों से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि गांव के विभिन्न हिस्सों में कोविड गाइडलाइंस की जानकारी रहते हुए भी लोगों में जागरूकता नहीं है और न ही गाइडलाइन का अनुपालन किया जा रहा है। इसके साथ ही समय सीमा का उल्लंघन करने और हाट लगाने से संबंधित शिकायत मिली थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई। उधर गया जिला के चंदौती प्रखंड के नैली पंचायत के ग्राम दुलभ आजाद बिघा में समाजसेवी वरुण यादव के द्वारा आज घर घर जाकर सैनिटाइजेशन का अभियान चलाया गया। जरूरतमंदों के बीच मास्क का भी वितरण किया गया। उधर कटिहार में लॉकडाउन का पालन करवाने को लेकर आज सड़क पर प्रशासन का अमला उतरा। डीएम और एसपी खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे। बिहार सरकार के आदेश के बाद कटिहार में जिला प्रशासन काफी एक्टिव है। सख्ती के साथ ही लोगों को कोरोना के गाइडलाइन का अनुपालन करने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है और नियम तोड़ने वालों पर सख्ती से कार्रवाई भी की जा रही है। लगातार बढ़ रहे मामले को देखकर लोगों में ऐसे ही बेचैनी बनी हुई है। इस बीच जिलाधिकारी उदयन मिश्रा और आरक्षी अधीक्षक विकास कुमार के नेतृत्व में कटिहार जिला प्रशासन की टीम आज शहर के मुख्य बाजारों के हालात का जायजा लिया। कटिहार के लॉकडाउन के हालात पर जिलाधिकारी उदयन मिश्रा ने कहा कि दुकानें तो लगभग सभी बंद है, हालांकि सड़कों में भीड़ को लेकर अभी कुछ परेशानियां हैं जिस पर जल्द ही नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है। आरक्षी अधीक्षक विकास कुमार ने कहा कि बेवजह सड़क पर घूमने वाले लोगों को अब पुलिस सख्ती से निपटेगी। बगैर जरूरत के सड़क पर निकलने वालों का मामला भी दर्ज किया जाएगा और उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि दुकानें तो मुख्यतः कोई भी दुकानें दवा दुकानें छोड़ करके खुली हुई नज़र नहीं आ रही हैं, आप लोगों को यही दिख रहा होगा। लेकिन आवागमन जिस हिसाब से कम होना चाहिए वो हमें नहीं दिख रहा है, तो उसको स्ट्रिक्टली एनफोर्स हम लोग करने के लिए प्लान बना रहे हैं। मॉर्निंग वॉक इसे अभी बैन है और जो जिनको अपवाद जो हम लोग का है ट्रैवल करने में, उसके अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति ट्रैवल नहीं करें, यही हम लोग अपील भी करते हैं और एनफोर्स भी इसको हम लोग स्ट्रिक्टली करा रहे हैं। उधर लॉकडाउन को पालन करवाने के लिए एक्शन में कटिहार पुलिस का आज कई रूप दिखा। लॉकडाउन कानून उल्लंघन करने के खिलाफ व्यापार करते हुए 14 व्यवसायी को आज गिरफ्तार किया गया। इस दौरान पुलिस ने सख्ती बरतते हुए दुकानदारों की जमकर पहले पिटाई भी की। नगर थाना के अध्यक्ष राघवेंद्र कुमार ने कहा कि पता चला था कि बड़ी बाजार में लॉकडाउन के बावजूद कपड़ा व्यवसायी और अन्य कुछ व्यवसायी दुकान खोलकर व्यापार कर रहे थे। इस पर कार्रवाई करते हुए उन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आगे विधि सम्मत इन पर कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान अनुमंडल अधिकारी ने भी कहा कि आगे विधि सम्मत कार्रवाई की प्रक्रिया की जाएगी। कोरोना के नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ हर संभव कार्रवाई की जाएगी। तो नियम संगत कार्रवाई की जाएगी, उससे समझ जो भी है लॉकडाउन का अगर उल्लंघन करते हुए अगर पाए गए हैं तो उस पर जो भी है एक्ट के हिसाब से थाना प्रभारी उस पर कार्रवाई करेंगे। उधर समस्तीपुर में लॉकडाउन लगते ही वार्ड संख्या 11 के पार्षद ने अपने क्षेत्र का सघन सैनिटाइजेशन का अभियान शुरू कर दिया है। समस्तीपुर शहर के काशीपुर वार्ड संख्या 11 में सघन सैनिटाइजेशन का काम किया गया है ताकि भीषण महामारी में लोगों को सुरक्षा मिल सके। वार्ड पार्षद रूबी कुमारी एवं उनके पति समाजसेवी चुनचुन यादव के द्वारा इस अभियान को गति दी जा रही है। वार्ड संख्या 11 स्थित काशीपुर एरिया में
कोरोना महामारी से बचाव के लिए सैनिटाइजेशन का अभियान उन्होंने अपने स्तर से शुरू किया है। उन्होंने बताया कि वार्ड संख्या 11 के हर घर घर जाकर सैनिटाइजेशन का अभियान चलाया जा रहा है। उधर समस्तीपुर से खबर मिल रही है कि लगातार महामारी के बीच समस्तीपुर में प्रशासन की शक्ति बढ़ गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लॉकडाउन की घोषणा की और समस्तीपुर शहर में अधिकारियों ने दबिश बढ़ानी शुरू कर दी है। समस्तीपुर शहर में अधिकारियों की टीम काफी चौकसी बरत रही है। डीएसपी भी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, कहीं एसडीओ के नेतृत्व में टीम लगाई गई है। उन्होंने बताया कि आज लॉकडाउन का दूसरा दिन है। पहले दिन लोगों को चेतावनी दी गई थी, माइकिंग के माध्यम से समझाया गया था। हिदायत के बावजूद जो लोग नहीं माने उन पर कार्रवाई तेज कर दिया गया है। आज वैसे बाजारों का पुलिस पदाधिकारियों ने दौरा किया जहां दुकानें खुली होने से संबंधित शिकायतें मिल रही थी। अधिकारियों की टीम पहुंची, पुलिस बलों ने यहां लाठियां भी चटकाई, लोगों को हिदायत भी दिया, कई लोगों को उठक बैठक भी कराए गए तो कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। बताया जा रहा है कि कई दुकानों को बंद कराया गया, दुकानें खुली हुई थी उन दुकानदारों को हिरासत में लिया गया। नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। धर्मपुर, चकनूर, शंभूपट्टी के तरफ से मुक्तापुर, मथुरापुर इत्यादि मोहल्ला में लोगों को बार बार समझाने के बावजूद शिकायतें मिल रही है। दुकानें खुलने से संबंधित शिकायतें मिली है, जिसके बाद अधिकारियों ने सख्ती बढ़ा दी है। कहा कि किसी भी सूरत में लोगों को नियम तोड़ने पर बख्शा नहीं जाएगा। समस्तीपुर शहर में कुछ कपड़े की दुकानें खुली होने की शिकायत मिली थी, जिसके बाद अधिकारियों की टीम आज सीधा यहां का रुख किया। कई दुकानदार और कई ग्राहक भी पुलिस पदाधिकारियों के कार्रवाई के जद में आ गए। प्रथम दिन है, लोगों को जानकारी दी गई है, अनाउंसमेंट भी करवाया गया है, फिर भी कुछ दुकानें छोटी मोटी दुकानें खुली हुई हैं, उसे समय पर बंद कराया गया है और अनुरोध किया गया है कि कोरोना की जिस तरह से ज्यादा बढ़ी आई हुई है, इसमें तमाम और बेवजह सड़कों पर ना निकले, सरकार के जो गाइडलाइन है उसका अनुपालन करें। उधर अपराधियों ने आज एक व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि गोलियों से छन्नी कर दिया गया। यह वारदात समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के सिंघिया चौर से सामने आया है। बाइक सवार अपराध कर्मियों के द्वारा बीच चौर में डढ़िया गांव के निवासी जयमंगल राय के 39 वर्ष के पुत्र अमरेश कुमार उर्फ मुनचुन ताबड़तोड़ गोलियों से भून दिया गया, जिसके बाद उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। गोलियों की आवाज सुनने के बाद गांव में शोर मच गया, आसपास के लोग जुटे। तब तक अपराधकर्मी वारदात को अंजाम देकर मौके से निकल चुके थे। बताया जा रहा है कि इस घटना की सूचना कल्याणपुर थाने की पुलिस को मिली। कल्याणपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। बताया जा रहा है कि घटना के पीछे जमीनी विवाद की भी आशंका है। विभिन्न दृष्टिकोण से पुलिस इस मामले में छानबीन शुरू कर दी है। सबको पोस्टमार्टम की प्रक्रिया के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है। इधर इस बीच खबर मिल रही है कि भागलपुर में भी पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। वर्चुअल बैठक के बाद मिल रहे निर्देश के अनुसार शहर में इसका क्रियान्वयन भी तेजी से किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि शहर में कार्रवाई की जिम्मेवारी सिटी एसपी स्वयं संभाल रहे हैं। पुलिस केंद्र के पदाधिकारियों को लॉकडाउन के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया लगातार जारी है। पुलिस पदाधिकारियों ने आज तिलका मांझी सब्जी मंडी समेत कई जगहों पर जाकर सब्जी विक्रेताओं को समझाया। सोशल डिस्टेंस के अनुसार दुकान नहीं चलाने वालों पर सख्ती से कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। कई दुकानदारों को आज पुलिस ने निशाना भी बनाया। कई पुलिस वालों ने आज डंडे भी चटकाए और शहर में अनावश्यक रूप से प्रवेश करने वाले व्यक्तियों पर, वाहन चालकों पर पाबंदी के निर्देश दिए गए। उधर नवगछिया पुलिस जिला में भी आज पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी। व्यवस्था दुरुस्त करने की हर संभव कोशिश लगातार जारी है। नवगछिया अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि दल बल के साथ विभिन्न इलाकों में सख्ती बढ़ा दी गई है। अनुपालन कराने के लिए पुलिस बलों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। लोगों की अनावश्यक आवाजाही नहीं हो, इसके लिए भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। कोरोना गाइडलाइंस को तोड़ने वालों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया जाएगा और उन पर सख्ती से कार्रवाई भी किए जाएंगे। सरकार की तरफ से लॉकडाउन इम्पोज हुआ है तो उसी का अनुपालन करवाने के लिए हम लोग मॉर्निंग में निकले हैं, और क्योंकि लोगों को जानकारी भी होना चाहिए, जागरूकता भी फैलाना चाहिए और शक्ति भी होना चाहिए, तो उसी आलोक में हम लोग एसपी साहब के आदेश से निकले हैं कि सुबह से ही लोगों को मालूम पड़े कि नहीं लॉकडाउन है, बेवजह घर से बाहर नहीं निकला है, निकलना है। अपने नवगछिया में कोविड का केस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बहुत सारे लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, तो इसको देखते हुए यहाँ के लोगों को और भी जागरूक होना चाहिए कि बेवजह हमको नहीं निकलना है। प्रेम सिंह मीना ने भागलपुर प्रमंडल के आयुक्त के रूप में आज पदभार ग्रहण किया। मीना यहां अगले आदेश तक मुंगेर प्रमंडल के आयुक्त के अतिरिक्त यहां प्रभार में रहेंगे। वर्तमान में वित्त विभाग में सचिव के पद पर कार्यरत थे। प्रेम सिंह मीना ने 1989 बैच की IAS अधिकारी वंदना किन्नी की जगह भागलपुर के कमिश्नर के रूप में पदभार ग्रहण किया है।
वंदना किन्नी को श्रम संसाधन विभाग के अपर मुख्य सचिव के पद के साथ ही कला संस्कृति एवं युवा विभाग के अपर मुख्य सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। उधर बंदरा प्रखंड मुख्यालय एवं आसपास के इलाकों में भी आज पुलिस ने तेवर दिखाए। तमाम सड़कों पर आज सन्नाटा फिर से पसरा रहा। कोरोना के कहर को कम करने के लिए गुरुवार को लॉकडाउन के दूसरे दिन पुलिस बलों की रौब से खौफ बढ़ता रहा। पीयर थाने एवं हाथाओपी की पुलिस अपने अपने इलाकों में अलग अलग पुलिस बलों की टुकड़ियां बनाकर कार्रवाई में जुटी हुई थी। हाथाओपी क्षेत्र के इलाकों में ओपी अध्यक्ष शमीम अख्तर एवं पीयर थाने के इलाके में पीयर थाना के अध्यक्ष शिवनाथ सिंह लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। विभिन्न इलाकों में खुद की मॉनिटरिंग में कार्रवाई को अंजाम दे रहे थे। बताया जा रहा है कि रतवारा मतलूपुर समेत कई इलाकों में दुकानों को आज बंद कराया गया। सड़कों पर फटकते बाइक सवारों को हिदायत दी गई, कई पर पुलिस ने डंडे भी चटकाए। बताया जा रहा है कि 11 बजे से पहले ही कई इलाकों में दुकानों के शटर पुलिस के पहुंचते ही बंद होने लगे। सक्रिय हथा तेपरी पटसारा केटसा सखौरा आदि इलाकों में पुलिस सक्रिय दिखी। सड़कों पर पुलिस ने तैनाती दिखाई। प्रत्येक वाहनों को जांच या पुलिस की पूछताछ की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। उधर निर्देश के बावजूद पीयर थाने के विभिन्न इलाकों में दुकान खोलने से संबंधित तथा बरियारपुर में हाट लगाने से संबंधित सूचना मिली थी, जिसके बाद पीयर थाने की पुलिस एक्टिव हुई और ऐसे दुकानदारों पर पुलिस ने लाठियां भी चटकाई। कई लोगों को इस दौरान हत्था एवं पीयर थाने की पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। बताया जा रहा है कि इन पर विभिन्न धाराओं के तहत मामला भी दर्ज किया जाएगा और आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इधर बंदरा पीएससी में आज वैक्सीनेशन का अभियान चलाया गया। 80 लोगों को आज कोरोना वैक्सीन दिए गए। वहीं किट उपलब्ध नहीं होने की वजह से आज टेस्टिंग का अभियान बंदरा पीएससी में नहीं चलाया गया। बंदरा पीएससी के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर नौशाद अहमद ने बताया कि कोरोना का जांच किट नहीं रहने की वजह से आज जांच का अभियान नहीं चलाया गया। किट की उपलब्धता होने पर अगले दिन जांच की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उधर कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर गांव-गांव जाकर आज बंदरा में चिकित्सा पदाधिकारियों एवं चिकित्सा कर्मियों की टीम ने लोगों में जागरूकता का अभियान चलाया। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अहमद ने बताया कि कई इलाकों में लोगों में भ्रम की स्थिति है। लोगों को यह भ्रम हो गया है कि कोरोना वैक्सीनेशन के बाद मौतें हो जा रही हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं। इस भ्रम को तोड़ने के लिए, लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए आज गांव-गांव चिकित्सा कर्मियों एवं चिकित्सा अधिकारियों की टीम गई। खुद इसका मॉनिटरिंग बंदरा के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर नौशाद अहमद कर रहे थे। नौशाद अहमद ने बताया कि गांव-गांव लोगों को समझाया गया। कई लोगों में जो भ्रम की स्थिति जिद के रूप में सामने आई, काफी मशक्कत के बाद उन्हें संतुष्ट किया गया, समझाया जा सका। उन्होंने कहा कि वैक्सीन लेने से किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं है। लोगों को खुद जागरूक होना चाहिए और आसपास के लोगों को भी जागरूक करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पहली और दूसरी डोज कोरोना वैक्सीनेशन अनिवार्य, सभी लोगों को वैक्सीनेशन के दौर से गुजरना चाहिए। हाँ, उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग बीमार हैं, रेगुलर दवा का सेवन कर रहे हैं, उन्हें जांच के बाद ही कोरोना वैक्सीनेशन लेने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन से किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं है। उन्होंने चिकित्सा कर्मियों को भी निर्देश दिया कि आसपास के इलाकों में लोगों को जागरूक करें और उन्हें अनिवार्य रूप से वैक्सीनेशन कराने के लिए प्रेरित करें।